मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ कॉम्पिटिशंस के लायक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जो प्राइम नंबर्स से रिलेटेड है। आप प्राइम नंबर का डेफिनेशन पहले देखें कैसे लिखा जाता है। देखिए, प्राइम नंबर्स डेफिनेशन को बहुत अच्छी प्रकार से जाननी चाहिए। किसी भी थ्योरी का मूल जो होता है उसका डेफिनेशन होता है। हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट, परफेक्ट लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखनी चाहिए। और मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होता है, बहुत ही उसमें शब्दों का जो समाविष्टि होता है बहुत ढंग से होता है। ना उसमें ज्यादा शब्दों का समाविष्टि होनी चाहिए न कम। तो देखिए, हम प्राइम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। ए नंबर पी इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ पी इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड the only divisors of P are plus minus one and P itself। देखिए, ए प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। ए नंबर पी, ये पी ठीक से नहीं लिखा गया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे पी लिखे साफ। ए नंबर पी इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ पी इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड द ओनली डिवाइजर्स ऑफ पी आर प्लस माइनस वन एंड पी इटसेल्फ। इसको हिंदी में अभाज्य संख्या भी कही जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्राइम नंबर्स ये होते हैं। प्राइम इंटीजर्स कहते हैं इसे। देखिए, प्राइम इंटीजर्स ये दो से शुरू होता है, दो तीन, इसका निगेटिव भी प्राइम नंबर होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, प्लस माइनस इलेवन, प्लस माइनस थर्टीन, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर, ये इंटीजर्स जो हैं, ये किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए इनका डिवाइजर जो है, जैसे 11 का डिवाइजर या तो 1 है और नहीं तो 11 इटसेल्फ है, तो इसलिए ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था, तो आज देखिए
एक सवाल है, ये आप इसको मिटा दें। एक सवाल देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए प्राइम नंबर पर एक सवाल है जो कंपटीशन में आता है। ये सवाल है देखिए, आपको 30 का पावर 7 और 22 का पावर 5 और 34 का पावर 11। देखिए हाउ मेनी प्राइम, हाउ मेनी, देखिए क्वेश्चन में लोग YouTube पर बता रहे हैं लेकिन उसको सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी वीडियो देखा करता हूं और देखने के बाद जब मैं बुक देखा तो बुक में जो चीजें लिखी गई है वो क्लियर नहीं लिखी गई है। जैसे ये लिखा है सवाल में कि हाउ मेनी, हिंदी में हम सवाल लिख देते हैं, 30 का पावर 7, 30 का पावर 7 और देखिए क्या लिखा है, 22 का पावर 5 और 34 का पावर 11, 22 का पावर 5 और 34 का पावर 11, ये है सवाल। हाँ ठीक, सवाल ठीक है के, यही सवाल है के कितने कितने अभाज्य अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये सवाल है, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए मैं इस सवाल को बता रहा हूं, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हियर 30 to the power 7 इंटू 22 to the power 5 और इंटू 34 to the power 11। तो इसका यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 into 3 into 5 to the power 7 और 22 का यहाँ पर 2 × 11 यहाँ प्राइम नंबर है, इसका पावर 5 और गुने 2 × 17 = 17 इसका पावर हो गया 11, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सवाल होता है कि इसमें प्राइम गुणनखंड कितने होंगे, तो ये ऐसे इस सवाल को नहीं पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब कहेंगे तो इसको कहना चाहिए था कि कितने रिपीटेड अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन जो निकालते हैं तो इस प्रकार से लोग निकाल देते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखिए इस प्रकार से लोग निकाल देते हैं कि संख्या बराबर, यहां निकाल देते हैं 3 × 7 और यहां निकाल देते हैं
प्लस दो गुने पांच और यहां निकाल देते हैं प्लस प्लस दो गुने सत्रह ना, ये दो गुने ग्यारह इतना अभाज्य गुणनखंड से निकाल देते हैं तो इसका वैल्यू हो गया यहां पर इक्कीस और प्लस ये हो गया दस और ये बाईस हो गया तो बाईस चौवालीस एक तैतालीस और दस तिरपन तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ऐसे तिरपन निकाल दिए। बाईस दूनी चौवालीस में एक कम गया तैतालीस और दस तिरपन। तो दरअसल यहां पर क्या निकला, यहां पर एक्चुअली आपने जो गुना किया यहां ये तीनों जो है प्राइम है तो दो सात बार आया, तीन सात बार आया, पांच भी सात बार आया, यहां दो पांच बार आया, ग्यारह भी पांच बार आया, यहां दो ग्यारह बार आया और सत्रह ग्यारह बार आया। तो सीधे सीधे यहां पर दो डिजिट है अति दो संख्या है तो दो से ग्यारह में गुणा कर दिए, यहां दो संख्या है तो दो में दो यहां दो में सीधे पांच से गुणा कर दिए, यहां तीन संख्या है तो तीन में सीधे सात से गुणा कर दिए तो टोटल प्राइम नंबर्स निकल गए। लेकिन ये जो प्राइम नंबर्स निकले उसमें दो जानते हैं कितनी बार रिपीटेड है, इसमें दो जो है सात बार रिपीटेड है और इसमें दो पांच बार रिपीटेड है तो पांच और दो सात अति सात पांच बारह और बारह ग्यारह तेईस, तेईस बार दो रिपीटेड है। तो यहां सवाल में ये चीज कहना चाहिए था कि थर्टी टू दी पावर सेवन इंटू ट्वेंटी टू टू दी पावर फाइव इंटू थर्टी फोर टू दी पावर इलेवन के कितने रिपीटेड अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये बात सही है कि दो जो है अभाज्य गुणनखंड है तो ये दो जो है इसमें सात बार देखिए आया है दो, इसमें पांच बार दो आया है उसमें ग्यारह बार आया है तो सात पांच बारह और ग्यारह तेईस बार दो आ गया। तो आप चाहें तो दो को भी वैसे कह सकते हैं कि दो जो है सो तेईस बार आ गया ऐसे, और तीन जो है देखिए सात बार आया है तो यहां सीधे तीन जो है सात बार ऐसे लिखाएगा तीन, और बाकी पांच जो है ये भी सात बार आया तो सात ऐसे लिख सकते हैं, और ग्यारह यहां पांच बार आया तो ये पांच लिख सकते हैं अभाज्य है, और सत्रह ग्यारह बार आया तो यहां ग्यारह लिख सकते हैं, आप इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए तेईस और सात ये तीस हो गया, तीस सात सैतीस, सैतीस और पांच बयालीस, बयालीस और दस बावन और एक तिरपन, यहां भी वही चीज आ जाएगा। तो दरअसल ये सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इसमें दो कितनी बार आएगा, तीन कितनी, यहां दो कितनी बार आएगा, तीन कितनी बार आएगा, पांच कितनी बार आएगा और ग्यारह कितनी बार आएगा और सत्रह कितनी बार आएगा। तो ये अभाज्य माने अभाज्य रिपीटेड गुणनखंड की बात कही जा रही है। तो सीधे आप यदि आप उसको कहते हैं कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो अभाज्य गुणनखंड और अनरिपीटेड यदि कह दें तो सीधे दो अभाज्य गुणनखंड फिर इतना हो जाएगा, दो तीन पांच और ये इलेवन और एक सत्रह, अभाज्य गुणनखंड तो इतना ही है। लेकिन रिपीटेड यदि हम कहें तो दो यहां तेईस बार रिपीट हो रहा है, तीन जो है सात बार रिपीट हो रहा है, पांच जो है सात बार रिपीट हो रहा है, ग्यारह पांच बार रिपीट हो रहा है, सत्रह ग्यारह बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इसमें कितने रिपीटेड
तथा अनरिपीटेड अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये बात कहनी चाहिए थी, केवल अभाज्य गुणनखंड नहीं कहनी चाहिए, केवल अभाज्य गुणनखंड करने से ही पांच संख्या आएगी। लेकिन यदि हम कहें कि 30^7, 22^5 और 34^11 के कितने रिपीटेड तथा अनरिपीटेड अभाज्य गुणनखंड होंगे, तब जाकर के ये जवाब आपको 53 आएगा। तो सवाल किस तरह से होना चाहिए था, कहीं कहीं किताबों में सही ढंग से सवाल को प्रोड्यूस नहीं किया गया है और एज इट इज आंख मूंद करके किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अभी देखिए इसी किताब कंपटीशन की किताब है और ये एसएससी वगैरह में ये सब पूछते हैं सवाल कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो यह सवाल आप थोड़ा देर के लिए ऐसे मॉडिफाई करके आप समझना चाहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसका मतलब है कि आपको रिपीटेड और अनरिपीटेड दोनों निकालना है, तो उसकी संख्या 53 होगी। देखिए दूसरा सवाल है, देखिए एक थ्योरी जान जाइए कि 0, 1, 5 और 6 ये पांच ऐसे डिजिट हैं कि यदि कोई भी संख्या हो, देखिए ऐसा मान लेते हैं कि 320 और इसका पावर आप n दे रहे हैं तो इकाई का अंक 0 ही होगा। फिर यदि मान लेते हैं कि इस तरह का संख्या है, इस तरह की कोई संख्या है, इसका पावर n दे रहे हैं तो इकाई का अंक 1 ही होगा। फिर यदि इस तरह का कोई संख्या है 505 और इसका आप n पावर दे रहे हैं तो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। और यदि संख्या यहाँ पर मान लेते हैं कि 716 है और इसका पावर n दे रहे हैं तो यहाँ पर भी चाहे आप पावर कितना दे दें लेकिन इकाई के स्थान पर यहाँ 6 ही रहेगा। इसका यदि आप स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 पावर दें, 10 पावर दें, लेकिन इकाई का स्थान जो यहाँ 6 है वो 6 ही रहेगा। और ये जो है इसमें भी वही बात होगी, इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, यहाँ भी इकाई के स्थान पर ये 0 रहेगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यही पांच संख्या ऐसी है, यदि 4 संख्याएं 4 डिजिट ऐसे हैं कि जिस संख्या के लास्ट में ये 4 डिजिट हो, चारों में से कोई डिजिट हो, तो उस संख्या का यदि हम पावर दें तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। तो देखिए उसी पर बेस्ड एक सवाल है कि 3457 का पावर है 153। देखिए एक सवाल है 3457 इसका पावर दिया गया है 153। ये तो पूछ रहा है कि इसका इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई का स्थान क्या होगा। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि इन पांच अंकों के अतिरिक्त 0, 1, 5 और 6 इसको छोड़ करके यदि यहां पर यदि यहां 7 है तो जैसे ये 7 में आप 7 से गुना करते हैं ये 49 आ गया,
फिर 49 में यदि आप 7 से गुना करते हैं तो देखिए ये 963 और 27 28 और 6 34 इतना आ गया। फिर यदि 7 से गुना कर देते हैं तो 27 21 और 27 28 29 के सुनना बाकी 3 और 27 21 और 23 21 और 3 24। अब पुनः 7 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 7 आ जाएगा। पांचवा बार जब आप गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। चाहे आप कोई संख्या ले लीजिए, 9 ही है तो 9 को 4 बार यदि गुना करते हैं तो पांचवा बार में फिर इकाई के स्थान पर 9 ही आएगा। और इसमें तो आप कोई भी पावर दें, चाहे इसमें 0 1 5 6 में कोई भी पावर दें, इकाई के स्थान पर सदा 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। जैसे आप कल्पना करें 24 इतना, इसका पावर आपने दे दिया मान लिया 101। अब पूछा जाए कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो इकाई के स्थान पर सीधे यहां पर 6 होगा, क्योंकि कितनी बार भी आप गुना करेंगे 6 36 36 16। जैसे ये 6 में 6 से गुना करते हैं तो ये 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो ये 216, फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, ये 6 3 9, 6 6 36, 6 3 9 और 6 2 12 इतना आ जाएगा। इकाई के स्थान पर हमेशा 6 ही 6 रहेगा। देखिए लेकिन इनके अतिरिक्त यदि आप दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे आप 2 लें, 3 लें, 4 लें, 7 लें, 8 लें, 9 लें, ये 6, बाकी 4 को छोड़ दें, 4 में तो जितना भी मैंने वर्ग करेंगे इकाई के स्थान पर वही रहेगा, चाहे वर्ग करें, चाहे 4 पावर दें, चाहे 10 पावर दें, इसमें इकाई के स्थान पर अंक नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें बदल जाएगा, इसमें पांचवा बार में रिपीट कर जाएगा। 2 बार देखिए गुना करेंगे 49 आया, 3 बार गुना किए 343 आ गया, चौथी बार गुना किए 2401 आ गया। अब पांचवा बार गुना कर रहे हैं तो यहां 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इकाई का स्थान क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो देखिए ये डिसीजन इस प्रकार से होगा, आप 153 को 4 से भाग देते हैं। देखिए 153 को ये 4 से भाग दे दें आप, तो ये भाग देने के बाद 4 3 12, बाकी यहां बच गया 3, ऊपर से उतरा 3, 4 8 32, 4 8 32, यहां शेष बच गया 1। तो अब यहां पर बात है कि जैसे ये चीज जब आप लिखेंगे, देखिए ऐसे आप इसको जब लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी हमने भाग दिया ना 153 को 4 से भाग दिया तो यह 4 3 12, बाकी 3, 4 8 38 आया। तो ये 38 जो है आप ऐसे लिखें इसको, देखिए देखिए ये 34 और 57 है और इसका पावर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 × 38, 4 × 38 और प्लस 4 × 38 और ये प्लस 1, तो देखिए
अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 4, 5, 7 और इंटू ये 4 × 38 और इंटू अब ये हो गया 34, 57 इसका पावर हो गया 1 इतना हो गया। तो यहां अब इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ये पूरे का यदि आप पावर निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, क्योंकि ये 4 बार के कारण जैसे 7 को 4 बार गुना करेंगे ठीक है, पांचवा बार में पुनः 7 आ जाएगा, फिर पांचवा बार में 7 आएगा तो 6, 7, 8 नौवा बार में पुनः 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 का मल्टीपुल हो गया, तो इसमें जो है हमेशा उस 7 ही आएगा। और यहां लास्ट में जो 1 आ रहा है तो ये बता रहा है कि इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो इस तरह से ये सवाल है कि अभीष्ट इकाई का अंक यहां पर 7 आंसर है, ये ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो आपको बना करके मैंने बता दिया कि इसमें कंफ्यूजन आपको न पैदा हो। अब मैं आपको दूसरे वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूं और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको ध्यान दिलाने के लिए केवल इन सारी बातों को मैंने बताया कि आप थोड़ा पढ़ें तो जागरूक होकर के पढ़ा करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि किताबों में जो बातें लिखी गई है वो मैक्सिमम कंफ्यूजन लिखी है। आप चाहें तो किताब की बातें और भी कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन वो सब बहुत इजी प्रश्न है। तो इसको यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।